रेगुलर फ्रेंड्स से सब फ़ोटोग्राफ और मैं वीडियो ही आपके साथ ही इसलिए शेयर करती हूँ कि आप लोग भी मोटिवेट हो जाएं। अगर आप सोच रहे हो कि आपको वेट कम करना है, अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है वेट लूज़ की, तो आप लोग भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएं मेरे से और अपनी जर्नी स्टार्ट कर दें फ्रेंड्स। तो देखिए, मैंने जब जर्नी स्टार्ट की थी 77.30 kg मेरा वेट था। देखिए, वाली पिक भी मेरी जनवरी की है, बहुत ही मोटी थी, लेकिन अभी मैंने 13 kg अपना वेट कम कर लिया है और 7 inches कमर कम कर ली है। और मेरी जो यहाँ पर चिन थी, डबल चिन बनी हुई थी, उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है सिंगल चिन में। तब भी देखिए काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, तो इसीलिए मैं सबको आपके साथ शेयर करती रहती हूँ और रेगुलर मैं आपके साथ एक्सरसाइज जो भी करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप लोग भी स्टार्ट कर दें तो मोटिवेट हो जाएं। जैसे मैं अपने आप को खुद मोटिवेट करती रहती हूँ कि मुझे पतला होना है, गोल बनाती हूँ कि इतना वेट कम करना है, और डायरी पर हमेशा ही नोट करती हूँ और वेट जब भी चेक करती हूँ, कभी कभी वहाँ पर रुकवा भी होता है, स्टक भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन जब भी थोड़ा सा भी कम होता है 1 gram 2 gram कितना 400 gram, बहुत ही अच्छा फील होता है। तो यहाँ पर देखिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ साइड फैट जो जमा हो रखा होता है पेट पर और बाजू पर, बहुत ही वेट जमा हो जाता है सबके लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये साइड क्रंची से इसका 25 का ईच सेट लगाऊंगी, टोटल 4 sets लगाए मैंने इसके। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये ब्रेस्ट के लिए एक्सरसाइज है, ब्रेस्ट साइज इनका बहुत बड़ा होता है, उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज इसका भी 100 sets लगाएं। साइड क्रंची से बाजू के लिए, पेट के लिए और थाइस के लिए, थाइस पर भी बहुत वेट जमा होता है कुछ लोगों का, तो उनके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है इसका 25 का, आप ईच सेट टोटल 4 sets लगाएं फ्रेंड्स। इसी तरह देखिए, आप अगर लगाएंगे स्टार्ट आ चाहे आप फ्रेंड्स 2 sets से करें, लेकिन उनको थोड़े दिनों के बाद इंक्रीज करते जाएं। और देखिए साइड फैट के लिए और थाइस के लिए भी एक्सरसाइज है और कमर के लिए वाली है। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो हैंड है हमें पीछे तक लेकर जाना है, उसको खिंचा पड़ना चाहिए, इसको मैं बहुत स्लो कर रही हूँ, लेकिन वीडियो में थोड़ा सा फास्ट करके दिखा रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो ये वाली एक्सरसाइज तो जब से मैंने जर्नी स्टार्ट की है तब से ही कर रही हूँ, पेट के लिए और बाजू के लिए बेस्ट बेस्ट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, मैं इसको कभी नहीं छोड़ती। तो अभी देखिए साइड के लिए भी एक्सरसाइज है, आप अपनी लेग को इतना ओपन करें जितना हमें शोल्डर के अकॉर्डिंग, और एक हाथ हमें कमर पर रखना है, एक हाथ ऊपर से लेकर आना है हमारे कान के ऊपर से जाना चाहिए, और इसको खिंचा डालना चाहिए हमारी कमर की साइड पर, इसका बेस्ट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स कमर के लिए। उसका आप 20 sets लगाएं और टोटल 4 sets लगाएं। नेक्स्ट ये वाली एक्सरसाइज पेट और बाजू के लिए और थाइस के लिए बहुत अच्छी है फ्रेंड्स। जो भी आप इनमें से, जो भी मैंने एक्सरसाइज शेयर करती हूँ उनमें से आप फ्रेंड्स कोई 5 exercise भी कर सकते हो। अगर आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, 5 exercise करें उनका आप 20-20 के, चाहे आप 2 sets ही से स्टार्ट करें और थोड़े दिनों के बाद 1 week के बाद उसको इंक्रीज करते जाएं, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर फ्रेंड्स आप खड़े होकर नहीं कर सकते, आपके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो आप बैठ कर भी ये वाले साइड क्रंचेस कर सकते हो, इसके भी आप 4 sets लगा सकते हो, 1 set आप 20 का लगाए ईच साइड पर, इससे भी बहुत बेनिफिट होता है। अगर बैठ कर लेट कर भी फ्रेंड्स हम ऐसे साइड क्रंचेस कर सकते हैं, इसका 20 each set और टोटल इसके 3 sets लगाएं फ्रेंड्स, इससे बहुत बेनिफिट होता है साइड फैट पर और थाइस पर, और बाजू के लिए भी हो जाती है साथ में। तो देखिए ये वाली तो बहुत ही अच्छी, आप लेटे लेटे बेड पर कर सकते हो फ्रेंड्स इसको, तो बिल्कुल खिंचाव पड़ता है और बाजू को पीछे की तरह ऊपर की तरह बिल्कुल सीधे रखना है और ऐसे हमें करते रहना है इसको 100 तक करना है, 51 side पर और 51 side पर। नेक्स्ट आप किसी भी दीवार पर ऐसे पैर रखें और हाथों पर को कमर पर रखें और इसके आप 20 के 2 sets ही लगाएं। और नेक्स्ट है बटरफ्लाई, हमें रिलैक्स भी करना होता है ना अपने आप को, स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं अपने आप को स्ट्रेच कर रही हूँ बॉडी को जितना हो पा रहा है, तो जितना हो पाए हमें स्ट्रेचिंग ज़रूर करनी चाहिए, स्ट्रेचिंग से भी वेट जाता है फ्रेंड्स और बहुत ही ना रिलैक्स मिलता है। तो ये पेट के लिए फ्रेंड्स ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, इसका मैं 50 का टोटल ई सेट लगाती हूँ, 50 times करती हूँ फ्रेंड्स इसको, लास्ट ना बट नॉट अ लीस्ट स्ट्रेचिंग। तभी एक्सरसाइज किए को मुझे 20 minutes हो चुके थे, आज देखिए मैं सिंपल पानी ही ले रही हूँ, कोई जीरा या अजवाइन वाटर कुछ भी नहीं लिया इसमें, सिंपल मैं लेमन डालूंगी। तो आज मुझे पता नहीं बहुत भरा भरा पेट लग रहा था सुबह से ही, तो सुबह भी मैंने सिंपल पानी ही पिया है, तो एक्सरसाइज से पहले तभी लेमन वाटर पी लेती हूँ फ्रेंड्स। वाटर पीने के बाद आ चुकी हूँ नहाने के बाद, पाठ करने के बाद यहाँ पर आ चुकी हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो आज बनने जा रहा है ब्रेकफास्ट में पोहा, जो कि
बहुत हेल्थी होता है। पीनट्स को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अभी देखिए यहाँ पर सरसों का ऑयल लिया है, मैं वही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। जब हम विर्थलोजनी पर हों तो रिफाइंड को बिल्कुल भी ना लें फ्रेंड्स, उनको छोड़ दें। कड़ी पत्ती डाले हैं और प्याज यहाँ पर और गाजर डाल रही हूँ, और साथ में यहाँ पर हरी मटर थे घर पर फ्रोजन वाले, तो मैंने एक मुट्ठी डाल दी है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाना, मुझे बेटा मेरा नहीं खाता, उसको मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है, अपने लिए बन रहा है, और जहाँ मम्मा ले लेंगे कभी कभी ले लेते हैं वो पोहा, उनको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें नमक डाला है मैंने, पिंक सॉल्ट ही डाला है फ्रेंड्स, और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा इसमें गर्म मसाला डाला है, और रेड चिल्ली डाली है क्योंकि आज ग्रीन चिल्ली घर पर ख़त्म हो रखी थी, यहाँ पर मैंने रेड चिल्ली इसमें ऐड कर दी है, और पोहा इसमें ऐड कर दिया है, और पीनट्स जो फ्राई करके रखे थे। बहुत ज़्यादा पीनट्स नहीं लेने हमने फ्रेंड्स, इसमें भी बहुत प्रोटीन भी होती है लेकिन फैट भी बढ़ती है इससे ज़्यादा लेने से। और एक लेमन ऊपर से डाल दिया है, और पोहा बनकर हेल्थी ब्रेकफास्ट मेरा रेडी हो चुका है। अब इसमें लूँगी, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी भी नहीं लेनी, मुझे इतना सही लेना, बाकी बच चुका है और इसको मैं खाऊँगी। अब मैं यहाँ पर बैठ चुकी हूँ फ्रेंड्स अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, इसको अच्छे से 32 बार चबाकर खाऊंगी। जब भी फ्रेंड्स हम खाना खाएं 20-25 मिनट हमें खाना खाने में लगाना चाहिए, हमें खाने को अच्छे से चबाकर ही खाना चाहिए फ्रेंड्स। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद आ चुकी हूँ बाहर, यहाँ पर कपड़े सूखने डालने के लिए। एक बार मैंने सुबह मशीन लगाई थी हस्बैंड की, सब टॉबर वगैरह वॉश किए आज मैंने, ये सब कपड़े डाल दूंगी सुखाने के लिए, 2-3 आवर में सूख जाएंगे। लेकिन ना आजकल मौसम भी ऐसा हो रखा है, कभी धूप निकलती है कभी बादल आ जाते हैं, सुबह सुबह कपड़े वॉश हुए होना तो बड़ा अच्छा लगता है, जल्दी सूख जाते हैं, समेटे भी जाते हैं। तो एक्सरसाइज करने से हमें बहुत बेनिफिट होता है, फुल डे हम एक्टिव रहते हैं और घर के काम भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, जिससे हमें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता। तो देखिए रैंक को मैंने धूप में डाल दिया है कि जल्दी सूख जाएगा। अब देखिए कपड़े डाल दिए हैं फ्रेंड्स सुखाने के लिए, धूप कभी आ रही है कभी जा रही है। हेलो, सुश्रीकाल, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब फ्रेंड्स, आई होप यू आर वेल। आज का व्लॉग देखिए फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन आपसे अभी मिल रही हूँ फ्रेंड्स। अभी सब काम हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट हो चुका है, कपड़े मैंने वॉश कर दिए हैं और सुखाने के लिए रख दिए हैं थोड़े से धूप में। कभी आज धूप आ रही है कभी जा रही है, ऐसे मौसम हो रखा है। तो लेकिन अभी मुझे लंच प्रिपेयर करना है, तो मैंने सोचा उससे पहले आपसे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने एक्सरसाइज में आपके साथ शेयर किया है, साइड फैट के लिए कुछ एक्सरसाइज शेयर की है, जिससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है, जिससे करके मैंने काफी अपने 7 इंचेस कम किए हैं कमर, और वेट भी देखिए फ्रेंड्स 1 केजी मैंने और कम कर लिया है। टोटल मैंने 13 केजी अपना वेट कम कर लिया है। 66 केजी पर ना काफी देर मेरा वेट रुका रहा, लेकिन अब 65 हो चुका है, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आप भी विर्थलोजनी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप क्या करें फ्रेंड्स, के अपना वेट रेगुलर चेक करें सुबह और एक डायरी पर नोट करें, इससे हमें पता चलेगा कितने ग्राम और कितने केजी हमने कम किया है। कभी कभी बढ़ भी जाता है और कभी कभी स्टक भी हो जाते हैं, इससे घबराना नहीं है हमें। वेट को जब लूज करना है तो कुछ ना प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमें अपने आप को रेगुलर मोटिवेट करते रहना है और पॉजिटिव रहना है। नींद प्रॉपर लेनी है 7-8 आवर, और पानी 2-3 लीटर हो सके तो आपको पीना है, बहुत ही बेनिफिट होता है इससे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अभी मैं अपना लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ, आप बने रहिएगा इसी तरह मेरी वीडियो में। अभी देखिए लंच के लिए दाल रखी है फ्रेंड्स, माँ की दाल, बेटे को दाल खानी है, उसको जो खाना था मैं वही बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को, तो इसमें मैंने अपने लिए ग्रीन टी रखी है, और उस बेटे के लिए बना रही हूँ फ्रेंड्स कॉफी। ग्रीन टी फ्रेंड्स मैं लूज वाली लिप्टन की यूज़ करती हूँ, अगर आपको पैकेट वाली नहीं सूट करती तो आप ये वाली कर सकते हो, इस बहुत अच्छी ग्रीन टी बन चुकी है फ्रेंड्स। तभी ग्रीन टी लेकर इसको पीती हूँ सिप सिप कर, बेटे को दिया है कोल्ड कॉफ़ी बनाकर, पी ली तूने कोल्ड कॉफ़ी? अच्छा, और तो नहीं कुछ चाहिए? सहज नहा कर यहाँ पर लेटा हुआ है, ग्रीन टी पी लेती हूँ, और साथ में मुझे ये सब्जी भी कट करनी है, इसको मैंने लेकर रखा हुआ, साथ में इसको कट करूँगी। तो साथ दाल रखी हुई है, देखती हूँ इसको कट कर लेती हूँ, अगर अभी नहीं बनानी होगी तो रात को बना लूँगी, नाइट में डिनर में बन जाएगी, लेकिन कट की होगी ना, अभी मैं फ्री हूँ, मेरे पास टाइम है, तो मैं इसको कट कर लेती हूँ, साथ में ग्रीन टी पीती हूँ।
अभी मैं फिर से आ चुकी हूँ किचन में, ग्रीन टी पी ली मैंने और सब्जी भी मैंने कट कर ली और थोड़ी देर वहाँ पर बैठी रही, बेटे से बातें करती रही। तड़का रख दिया मैंने, प्याज सिंपल और जीरा और साबुत धनिया डालकर दाल के लिए। तो यहाँ पर अपने लिए फ्रूट कट रही हूँ, नाशपाती और एक अमरूद को कट कर रही हूँ और थोड़ा सा इसके ऊपर पिंक सॉल्ट डाल दूँगी। और बेटे को पूछा था, उसे कह रहा है मुझे फ्रूट नहीं खाना, पहले उसने एक बार खा ली थी नाशपाती सुबह सुबह। तड़का यहाँ पर बन रहा है, दाल भी ऑलरेडी बन चुकी है, थोड़ा सा उसमें ना थोड़ी सी थिक थोड़ा सा पानी डाला है और अपने लिए मैंने फ्रूट कट कर यहाँ पर रख लिया है। और आंटी भी आ चुके हैं जो हाउस हेल्पर हैं हमारे, तो उन चाय बना रही हूँ। तो बेटा कहता था मुझे भी चाय पीनी है, तो उन दोनों के लिए यहाँ साथ में चाय भी बन रही है। चाय को अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ, दूध वाला था बर्तन तो इसमें ही मैंने चाय बना दी। तो मैंने कहा चलो इसके साइड पर कितना दूध लगा होता है ना, इसमें देसी तरीके से आज मैंने चाय बना दी। और सब्जी देखिए मैंने कट कर ले आई हूँ, लेकिन अभी नहीं बनाऊँगी, डिनर में बना लूँगी, काम आ जाएगी। अभी दाल ही खानी है तो फिर इतनी सब्जी क्या करनी है ना। तो यहाँ पर देखिए दाल को तड़का लग चुका है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, अभी भी मुझे थिक लग रही थी, बहुत ज़्यादा थिक होना टेस्टी नहीं लगती दाल। तो चाय भी बन चुकी है, आंटी को डालकर देती हूँ और बेटे को चाय पीनी है। जब से उसका एक्सीडेंट हुआ ना, एक टाइम वो चाय लेता है फ्रेंड्स, और आप फ्रूट खा लूँगी मैं। तभी देखिए फ्रेंड्स दोपहर के 2 बज चुके हैं, तो यहाँ पर बन रहा है लंच। यहाँ पर देखिए बेटे को दे रही हूँ, उसके लिए आज बनाए हैं लच्छेदार परांठे। बोल रहा था लच्छेदार परांठे खाने, फ्रेंड्स उसको ना एक्चुअली उसका खाने का टेस्ट बहुत चला जा चुका है, क्योंकि इतनी मेडिसिन खाई उसने लास्ट 1.5 मंथ से, तो उसको ना कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर यहाँ पर उसके लिए आज मैंने उसके फेवरेट लच्छेदार परांठे बनाए हैं। तो उसके पापा भी आ चुके हैं ड्यूटी से वापस, लेकिन उन्होंने कह रहे हैं कुछ नहीं खाना, वो वापस आकर नहीं खाते, साथ में टिफ़न लेकर जाते हैं ना, इसलिए फिर वापस आकर बहुत ही कम खाते हैं। तो हाँ उसको थोड़ा सा अचार दे रही हूँ बेटे को, और साथ में उसके लिए मैंने पराठा बन चुका है। तो उसके लिए देखिए मैं आप सबको हेलो भी बोल रही हूँ। इतने काम होते हैं ना, एक के बाद एक काम, पूरा टाइम ऐसे बिजी ही निकलता है। एक काम ख़त्म होता है तो फिर दूसरा शुरू हो जाता है, लेकिन जब हम लोग जर्नी स्टार्ट करते हैं, देखिए फ्रेंड्स पूरे एक्टिव रहते हैं, एक्सरसाइज करने से ही सब कुछ होता है। अगर सुबह सुबह हम अपने लिए 20 to 30 मिनट निकाल लेते हैं ना, तो फुल डे हमें एनर्जी मिलती है। और यहाँ पर मैं अपनी थाली भी ले आई हूँ, देखिए फ्रेंड्स इसमें दाल बीट रूट लिया है मैंने सैलड में, और रोटी मैंने बेसन बाजरा और रागी की बनाई है। बेटा भी यहाँ पर खा रहा है और मैं भी यहाँ पर इसको छोटी छोटी बाइट कर 32 बार अच्छे से चबा चबा कर खा लेती हूँ, और साथ में सैलड खाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स अभी लंच मेरा हो चुका है, था लंच करने के बाद में बैठना नहीं चाहिए, हमें कुछ ना कुछ करके काम करना चाहिए जिससे हमारा खाना ना डाइजेस्ट हो जाए। तो यहाँ पर कपड़े सूख चुके थे जो सुबह मैंने धोए थे सब, तो मैंने सोचा चलो इनको फोल्ड कर लेती हूँ। तो ऐसे खड़ी होकर ही फोल्ड कर रही हूँ, बैठकर नहीं कर रही, कुछ बैठना नहीं है। खाना खाकर हमें एकदम से नहीं बैठना, खास करके दोपहर को क्या होता है कि हमें बहुत ना आलस बढ़ जाता है, अगर बैठ जाए ना तो फिर नींद आने लगती है, इसलिए थोड़े घर के काम करते रहने चाहिए। तो यहाँ पर ना थोड़ा एसी चला हुआ था, रूम ठंडा था, तो मैं यहाँ पर ना थोड़ी सी वॉक करने लगी हूँ। तो मैं थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ, मुझे ना आज हैवी हैवी लग रहा है, पता नहीं क्या, इतना ज़्यादा खाया भी नहीं लेकिन बहुत हैवी लग रहा है आज। तो यहाँ पर मैं अपनी वॉक कर रही हूँ, तो इवनिंग का टाइम चुका है। तो यहाँ पर बेटे की फिजियोथेरेपी कराने के लिए आए हैं, हमारे घर के पास ही हैं, हमारे रिलेटिव ही हैं, डॉक्टर हैं फिजियोथेरेपी के, तो सहज के यहाँ पर एक्सरसाइज होती है फ्रेंड्स। तभी देखिए फ्रेंड्स नाइट को मैं ले रही हूँ हल्दी वाला दूध, अपने लिए हल्दी वाला दूध बना रही हूँ, एक गिलास बनाऊंगी। अभी मेरा और कुछ खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, तो शाम को ना मैंने ग्रीन टी के साथ भुने हुए चने होते ना वो खा लिए थे। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मुझे ऐसे लग रहा था बहुत मेरा पेट भर चुका है, बिल्कुल फुल है, अभी मुझे और कुछ नहीं खाना, इसलिए मेरा मन नहीं था। तभी नाइट की ड्रिंक बनाने का टाइम हो चुका था, फैमिली को सबको डिनर करवा दिया मैंने। नाइट ड्रिंक नहीं बनाऊंगी आज, क्या बनाने जा रही हूँ हल्दी दूध ही बना रही हूँ फ्रेंड्स, नाइट ड्रिंक और कुछ नहीं लूंगी। और इसके साथ ही ना इस व्लॉग के यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड्स ओके, टिल देन एंड बाय बाय।